नमस्कार दोस्तों, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया थिएटर्स वालों से खुद जाके झगड़ा करूं और कहूं कि अच्छे फिल्मों को लगाए भाई थिएटर में। अब ऐसा क्या हो गया? तो देखिए ना, कार्तिकेय 2 रिलीज हुई थी और तब बॉयकॉटेड मूवीज, जो कि कंटेंट वाइज भी बहुत ही बेकार थी, कोई देखना नहीं चाहता था, ऐसी मूवीज को हजारों स्क्रीन देकर रखे थे। और तभी हमारी ये कार्तिकेय 2 जो रिलीज हुई थी, उसे कोई स्क्रीन मिल ही नहीं रही थी। जब बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने, लोगों ने आवाज उठाया, तब जाकर स्क्रीन से अलर्ट होना शुरू हो गई। लेकिन इतनी हाउसफुल मूवी थी ये, इतने बुकिंग्स हो रहे थे इसके फास्ट फास्ट कि कई लोगों को मेरी तरह ये मूवी थिएटर में देखने को ही नहीं मिली। अब जब ये ओटीटी पर रिलीज हो रही है, तब मैं इसका रिव्यू डाल रही हूँ ताकि कम से कम जिन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, उन्हें पता चले और वो ओटीटी पर इस मूवी को देखे। अरे वो नया कौन सा मूवी आ रहा है? में देखने चले क्या? मेरे दोस्त ने तो कहा है कि वो मूवी बहुत अरे नहीं, जबरदस्त है। समय और पैसे दोनों ही बर्बाद हो नहीं, जाएंगे। नहीं, ओटीटी पर ही देखेंगे, फ्री में भी देखना हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन का है। अरे ओटीटी पर कहाँ इतना मजा आता है छोटे से स्क्रीन पर, थिएटर में ही थिएटर में ही मजा आएगा। चलो ना, चलते हैं। करे तो क्या करे, बस आपके इसी कॉम्प्लेक्स को सुलझाने के लिए मैं रुचा गांधी लेकर आती हूँ फिल्म रिव्यूज की आंधी आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्तिकेय 2 की स्टोरी की। अगर आपने कार्तिकेय का पार्ट 1 नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कंसेप्ट एंड एक्टर सेम है, बाकी स्टोरी पूरी की पूरी अलग है। बस दोनों में कैरेक्टर डॉक्टर कार्तिकेय सेम है, बाकी सब कुछ अलग है। अब बात करते हैं कहानी की, जो कि कार्तिकेय 2 की कहानी, जैसे मैंने कहा, कृष्णा के इर्द गिर्द है। डॉक्टर कार्तिकेय एक ऐसे डॉक्टर है जो कि साइंस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और धर्म के रिलीजियस चीजों को माइथोलॉजी मानते हैं। और ये पूरी स्टोरी इसके अराउंड घूमती है कि हमारा जो इतिहास है वो इतिहास है या फिर सच में माइथोलॉजी है। बहुत से लोग इसे इतिहास मानते हैं तो किस तरीके से ये इतिहास है, बहुत से लोग इसे माइथोलॉजी मानते हैं तो किस तरीके से ये माइथोलॉजी है। लेकिन इस स्टोरी को आपके सामने इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है कि चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, आप कृष्णा के प्यार में तो पड़ने ही वाले हो डेफिनेटली। देखो, कार्तिकेय जो है वो दुनिया बचाने वाली एक चीज को ढूंढने के लिए निकलते हैं, उनकी खुद की मर्जी से नहीं। उनके जीवन में कुछ एडवेंचरस चीजें हो ही ऐसी जाती है, कभी उनकी माँ का खो जाना, तो कभी उनको पुलिस स्टेशन में पुलिस पकड़ के लेके जाना, तो अचानक पुलिस स्टेशन से किसी का भगा कर लेके आना, और जबकि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है इसके बारे में 0% नॉलेज होना। अब फिर इतना सब उतार चढ़ाव जिंदगी में होने के बाद वो एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो इंसानियत के काम आने वाली है, तो इसीलिए वो इस सफर पर निकल पड़ते हैं। एंड देन उन्हें कृष्ण जी के बारे में और उनके सारे जो उन्होंने पंडाज लगा के रखे हैं, किस तरीके से उस चीज को हाइड करके रखा है, इन सभी के बारे में उन्हें पता चलते जाता है। और वो एक एक चीज ढूंढते हुए फाइनली उस चीज तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब रास्ते में क्या एडवेंचर्स होते हैं, कौन उनके आड़े आता है, कौन विलन है, कौन फ्रेंड है, इन सब के लिए आपको खुद मूवी देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कोई भी स्पॉइलर देना नहीं चाहती, क्योंकि स्टोरी इज द किंग ऑफ दिस मूवी। इसकी जो स्टोरी है वो इतनी मजेदार है कि इसमें किसी से भी आप रोल करवा लो तो वो एकदम निखर के आ जाता। अब सेकंड मुद्दे पर आते हैं एक्टर्स, तो भैया सबने अपनी जान फूंक के एक्टिंग की है, किसी ने भी यहाँ पर जोर जबरदस्ती एक्टिंग की है ऐसा नहीं लगता। सबने एकदम फ्लुएंट, नेचुरल और अपने अलग ही अंदाज में अपना एक अलग फ्लेवर लाकर एक्टिंग की है। सबसे पहले तारीफ में करना चाहूंगी निखिल सिद्धार्थ जो कि इस मूवी के मेन पात्र है, डॉक्टर कार्तिकेय। इन्होंने अपने अराउंड इस मूवी को एकदम नेचुरली ला के रखा है। ये सच में ह्यूमैनिटेरियन है, इनमें ज्यादा सोच है, एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति है और किस तरीके से लोगों की मदद करना चाहते हैं, किस तरीके से एडवेंचर हो रहा है फिर उनके चेहरे पर कुछ भी पता न होने की मासूमियत झलकना, एकदम फ्लूएंटली सब होता है और इनकी वजह से हम लोग इस कहानी को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अब अगर बात करें लीड एक्ट्रेस की, तो भैया वो है यहाँ पर अनुपमा। अनुपमा जी इतनी भोली भाली सिंपल लड़की लगती है, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन से उन्हें भगा कर लाती है बहुत मजा आता है। कई जगहों पर उनका गुस्सा, उनके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क्स, अलग अलग एक्सप्रेशंस, और उन्हें हम एक अलग ही ढंग से एंजॉय करते हैं। कहीं पर भी उन्होंने अपना
मतलब जो यू नो बॉलीवुड मूवीज में होता है कि एकदम आइटम सॉन्ग दिखाना, शॉर्ट कपड़े पहनना, लव एंगल दिखा देना, ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। 2-3% एक लव एंगल, एक सिंपैथी एंगल दिखाया गया है कि जिससे कि तुम लोगों के लिए अपने आप को क्यों खतरे में डाल रहे हो, ये सवाल जब वो पूछती है तब उनकी सिंपैथी और उनके लिए प्यार दिखता है। इसमें कोई ज़्यादा रोमांस या दिखावा फिल्म का या स्टोरी का कचरा नहीं किया है। एंड हीरोइन भी एक अलग ही हीरोइक मोड में हमें देखने को मिलती है। ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे अगर लड़कियों को प्रेजेंट किया जाएगा मूवी में तो हम और देखना पसंद करेंगे, ना कि उन्हें एक ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाना इस मूवी में। उन्होंने एक लड़की को उसका स्टेटमेंट मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी जगह दी है यहाँ पर। तीसरी मैं बात करना चाहूँगी जो आदित्य है, जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग कार्य कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रोल निभा रहे हैं, जो कि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और उन्हें भी ये पता है कि किस तरीके से जो चीज़ डॉक्टर कार्तिकेय ढूंढने वाले हैं ये सिर्फ उन्हें ही मिल सकती है, और इसीलिए वो उन्हें प्रेशराइज करते हैं। इसके अलावा उनके एक विशेष काम भी है इस मूवी में जो आप देखकर समझ जाएंगे कि उन्होंने एक्चुअल में किसका रोल निभाया है। तो जब स्टोरी देखेंगे तब आप समझेंगे, मैं यहाँ पर कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो एक मुस्लिम कैरेक्टर दिया गया है इस मूवी के अंदर, जिसकी वजह से जो मतलब अननोन हिंदू धर्म को लेकर जो नॉन हिंदू है, मुस्लिम क्रिश्चियंस या जिन्हें हिंदू रिलीजन के बारे में पता नहीं है, उनका एंगल क्या होगा जब वो कृष्ण को समझना चाहेंगे, कैसे क्यूरियोसिटी रहेगी, कैसा उनके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, और एक जिस तरीके से फन एलिमेंट में वो लाने की कोशिश करते हैं। तो वो मुस्लिम कैरेक्टर निभाया है विवा हर्षा ने, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हम लोग पॉलिटिशियंस की वजह से या कह लीजिए मीडिया की वजह से जो आपस में धर्म धर्म लड़ते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में इस तरीके से दिखाया है कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से एक दूसरे का कंपेनियन बनकर साथ निभाना चाहिए। एक इनडायरेक्ट मैसेज इससे मिल जाता है कि रियलिटी में लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन अगर हमें फीलिंग सही आ रहा है ना कि हाँ ये बंदा सही है, तो हम उसकी मदद करते हैं बिना वो जाने कि वो किस धर्म, रिलीजन, कास्ट को बिलोंग करता है। और अंत में लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ अगर मैं किसी की करूंगी तो वो मैं अनुपम खेर जी की करना चाहूंगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट का हार्डली मोनोलॉग होगा उनका, लेकिन उन्होंने उस 10-15 मिनट में जो भी कहा है वो आपके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देता है, दिल दहला देता है एंड कृष्णा के और प्यार में पाड़ देता है। मतलब वो जो क्लिप है ना वो असल में वायरल हो जाएगी जब भी ये OTT पर रिलीज होगी तब, क्योंकि जैसे ही वो शुरुआत करते हैं बताना कि वाई तुम इसमें इन्वॉल्व हो, तुम्हें क्यों चुना गया है, एक ट्रेलर में भी आपने अगर डायलॉग देखा होगा तो तुम वो वैद्य हो जिसे वैद्य कृष्ण ने चुना है अपने इस कार्य को अंजाम देने के लिए। एंड देन मूवी में उसका जो एंड है डायलॉग का वो है कि आई डोंट वर्शिप कृष्णा, आई वर्शिप हिज एक्सीलेंस। यहाँ के बीच में उन्होंने जो भी डायलॉग्स बोले हैं वो आपको एकदम सेंस ऑफ प्राउड देने लग जाता है कि यस वी आर फॉलोइंग कृष्णा और वी आर बॉर्न इन दैट कंट्री जहाँ पर कृष्ण जी बायोलॉजिकली जन्म ले चुके हैं, और उनका जो चरित्र है वो कितना बड़ा है, किस क्या उनकी असली पहचान है। ये उस 10 से 15 मिनट के मोनोलॉग में ही बहुत कुछ ये मूवी सिखा देती है। अगर आप मुझे पूछोगे कि इस पूरी मूवी में सबसे ज़्यादा देखने लायक क्या है तो वो बस यही चीज़ है। इसलिए मैं पहले तो बोल दूँ कि स्टोरी को जिस तरीके से 1 स्टार मैंने दिया है उसी तरीके से खास एक्टिंग के लिए भी एक फुल स्टार मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। अब बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में जो कि है चंदू पेंडिती। अब मैं शायद इनका नाम सही से प्रोनाउंस ना कर रही हूँ क्योंकि साउथ इंडियन डायरेक्टर है, लेकिन भाई बाप डायरेक्टर है। इन्होंने जिस तरीके से कार्तिकेय का पार्ट 1 बनाया था वो तो काफ़ी अच्छी मूवी लग ही रही थी, लेकिन इतने कम बजट में इतना सही इम्पैक्ट डालने वाली मूवी बनाना हर किसी की बात नहीं होती। अब हम लोग SS राजामौली की तारीफ करते हैं साउथ में ज़्यादा, वो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी होती है, पैसा वसूल होती है, लेकिन वो बजट भी उतना हाई रखते हैं। वहीं चंदू सर ने कम बजट के अंदर इतना अच्छा प्रेजेंटेबल मूवी बनाया है जो कि तारीफ करने लायक है।
अब देखिए मैं इन दो डायरेक्टर्स का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, दोनों भी मेरे फेवरेट है, लेकिन सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि किस तरीके से उनका काम बढ़ा है। अब अगर आप देखेंगे कि वो जो ब्रह्मास्त्र अभी थिएटर में चल रही है मूवी, वो एकदम बच्चों जैसी स्टोरी है और उसका बजट है 300 करोड़ सिर्फ ये VFX वगैरह करने वाली चीजों का। लेकिन इसी कम बजट में, मतलब 15 से 45 करोड़ के बीच में का बजट है इस मूवी का, इतनी कम बजट के अंदर तगड़ी स्टोरी के साथ इन्होंने जो मूवी बनाई है वो इनका प्लस पॉइंट है और ये तारीफ करने लायक है। इसलिए फुल स्टार में डायरेक्टर साहब को भी देना चाहूंगी। अब जो है हम लोग डायरेक्टर के बाद बात करते हैं इसकी जो विजुअल्स है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगी सिनेमेटोग्राफी के लिए। जब भी आप अलग अलग सीन्स देखते हैं, जो द्वारका का सीन दिखाया गया है, जब वो पानी से बाहर आते हैं डॉक्टर कार्तिकेय, तब वाला सीन है हाथ में कृष्ण का पंख लेकर, या फिर ऑलमोस्ट एडवेंचरस सीन्स जो उन्होंने खुद शूट किए हुए हैं, वो तो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये विजुअली वो काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका जो VFX है, पानी के अंदर बोट में जाना वगैरह, वो भी काफी अच्छा है। और कुछ कुछ पार्ट में तो एनिमेशन भी दिखाया है। अब मैं यहाँ पर एक मिनट रुक कर आदि पुरुष की बात करना चाहूंगी। अगर आपको पता है आदि पुरुष के बारे में, तो उसका VFX CGI पे लोग बहुत ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो एकदम एनिमेटेड मूवी लगती है। लेकिन एनिमेशन कैटेगरी में आने के बाद भी इतना तगड़ा वो नहीं लगेगा जितना इसका वो 5-6 मिनट का ओवरऑल मूवी में एनिमेशन यूज किया है, वो इतना तगड़ा है। मतलब सोच लीजिए कि विजुअली भी इन्होंने कितना अच्छा किया है। अब सीधे बात करते हैं म्यूजिक की। तो भैया जिस तरीके से एक स्टोरी को होना चाहिए, जिस तरीके से विजुअल्स होने चाहिए, डायरेक्शन और एक्टिंग होनी चाहिए, उसके अलावा एक मेन एलिमेंट होता है, वो है म्यूजिक, जो कि एक बहुत लंबा इफेक्ट छोड़ के जाता है। और वही काम इस मूवी का म्यूजिक BGM करता है, जो कि है द कृष्णा ट्रांस। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसे सुनिए जरूर। वो एक जो लय के अंदर जब ये म्यूजिक बजता है, तब आपके अंदर लिटरली एक अलग ही गूज़बम्स वाली फीलिंग आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा एंजॉय आप करते हैं। कई जगह पर आपको म्यूजिक फील, मतलब म्यूजिक समझ में नहीं आता कि म्यूजिक चालू हो चुका है, क्योंकि आप विजुअल्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पर जब वो उसके साथ BGM का तड़का लगता है, तब इस म्यूजिक का मजा जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मेरे फोन की कॉलर ट्यून भी मैंने इसी मूवी का म्यूजिक जो BGM है वो रखा है कृष्णा ट्रांस। इसे आप जरूर सुन सकते हैं, चाहे आप मूवी देखें ना देखें, ये जो 3-4 मिनट का म्यूजिक है वो ही आपको बहुत ज्यादा फील देके जाएगा कि ये मूवी कितनी तगड़ी है। इसलिए यहाँ पर फुल मार्क्स म्यूजिक को भी मैं देना चाहूंगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यही है कि इस मूवी को असल में मैं स्टार रेटिंग देने वाली कोई हो ही नहीं सकती, इतना अच्छा मूवी है ये। मतलब स्टोरी ही कृष्ण है तो आपको यहाँ पर मार्क्स देने का हक ही नहीं बनता, भगवान के आगे क्या ही मार्क्स हूँ। लेकिन अगर हम लोग इसे एक जस्ट सिनेमा के हिसाब से भी देखें, तब भी ये पूरे मार्क्स डिजर्व करती है। बस यहाँ पर डायरेक्शन वाले जो सेक्शन है, डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन वाला सेक्शन है, वहां से मैं हाफ स्टार काट सकती थी, क्योंकि इन लोगों ने इसको ज्यादा नॉर्थ में रिलीज करते लेकिन प्रमोट नहीं किया। जगह जगह पर जाकर प्रमोशन पर थोड़ा और बजट अगर ये डाल देते तो ये 200-300-400 करोड़ की मूवी बन जाती, लेकिन उन्होंने उसको जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस मुझे सही लगा कि जो कंटेंट है वही किंग है, और इन्होंने जो कंटेंट दिया है वो असल में बहुत बढ़िया है, इसलिए उनको मार्क भी नहीं कर देती। यहाँ पर फुल 5 out of 5 stars में इस मूवी को देखती हूँ और आपको 100% रिकमेंड करती हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखें, चाहे वो OTT पर ही क्यों ना हो। फिर मिलेंगे ऐसी ही और भी मूवी। जय हिंद।